अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़ायज़ा काशिफ। आज मैं बना रही हूँ चिकन की बिल्कुल अनयूजुअल रेसिपी, जो घर में मौजूद मसालों से बनती है लेकिन इसका जायका बहुत ही लजीज होता है। प्लीज़ कंप्लीट रेसिपी फॉलो कीजिएगा। मुर्ग तो प्याज़ा बनाने के लिए हम लेंगे 1 किलो चिकन। गरम मसाले में हम इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ते, 1 बादियान का फूल, 2 दालचीनी के स्टिक, 6-7 लौंगे, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची कुटी हुई, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 4-5 सब्ज़ इलायची। इसमें 6 दरमियानी प्याज बारीक काट के मिलाएंगे, 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक, 4-5 हरी मिर्चें बारीक काट के, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और कुटा हुआ धनिया जो है 1-1 टीस्पून हम शामिल करेंगे। 1 कप या तकरीबन 200 ग्राम हम इसमें दही शामिल करेंगे। और सबसे आखिर में हम शामिल करेंगे 2 नींबू का जूस। सबसे पहले हम अपनी पतीली में 4-5 टेबलस्पून ऑयल के डाल लेंगे। ऑयल ठंडा ही होगा तो उसमें हम अपने तमाम जो अपना साबुत गरम मसाला है उसको डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे। गरम मसाला हमेशा ठंडे ऑयल में डालें क्योंकि गरम तेज़ गरम ऑयल में डालने पर ये एकदम जल जाता है और उसका जायका बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अपने गरम मसाले को 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद हम उसमें चिकन शामिल कर लेंगे। इस वक्त आंच को थोड़ा तेज़ रखेंगे और तेज़ आंच पे हम अपने चिकन को गरम मसाले के साथ तेल में फ्राई करेंगे। हमने तकरीबन 4-5 मिनट इसे तेज़ आंच पे हमने फ्राई कर लिया। अब आंच को धीमा करके इसमें हमने कुटा हुआ लहसुन अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें मिला के इसको तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे कि लहसुन अदरक अच्छी तरीके से पक जाए, थोड़ा सा उसकी जो खुशबू है वो आनी शुरू हो जाए। फिर इसमें हम अपनी 1 कप दही और तमाम सूखे मसाले जो हैं जिनमें लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया और नमक शामिल करके दोबारा इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे ढककर, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरीके से पक जाए। पाँच मिनट बाद हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है, भुन चुका है। अब हम इसमें अपनी प्याज शामिल कर लेंगे और फिर हम इसको हल्की आंच पे तकरीबन 25-30 मिनट के लिए पकाएंगे और दरमियान में वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे। प्याज काफ़ी बारीक कटी हुई होनी चाहिए वरना वो बहुत मोटी सी होगी तो सौगी सा हमारी ग्रेवी सी बन जाएगी और जो हमारे मसाले का असली टेक्सचर है वो हासिल नहीं होगा। प्याज को हमने मिक्स करके हमने इसको ढक दिया है और हम अब ढक के हल्की आंच पे से हमने तकरीबन 25 मिनट तक पकाया है। बीच में हम बार बार चम्मच चलाते रहे हैं। थोड़ी देर तक अब चिकन हमारा गल चुका है। हम सबसे आखिर में हम इसमें 2 नींबू का रस अच्छी तरह शामिल करके इसको दोबारा चम्मच से मिला देंगे और 1 मिनट के लिए दोबारा ढककर पकाएंगे। हमारा मुर्ग प्याज़ा बिल्कुल तैयार है। इसको चपाती, रुमाली रोटी या नान के साथ खाइए, आपको बहुत लजीज लगेगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कॉमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।